बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। इसमें बताया गया कि कल विधायक बाबू जडेल के द्वारा हमारे संविधान को जलाने के बारे में कहा था। इसको लेकर आज बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट, महावीर सिंह सिसोदिया और कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने संविधान को लेकर कुछ कहा है और साथ ही भाजपा नेता को दलाली करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी किस तरीके से देखते हैं मामले को? कल विधायक बाबू जंडेल जी ने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है और जिस संविधान की शपथ लेकर वो विधानसभा में गए, उस संविधान की रक्षा करने का मामला हम सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी रहना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देने वाले बाबू जंडेल विधायक के खिलाफ हमारी सबसे पहले तो मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR हो, कानूनी जो उन पर और धाराएं बनती है वो बने। 3 अगस्त को बाढ़ आई, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत से प्रत्येक गांव में जो बाढ़ से प्रभावित हुआ वहां पहुंचा और जिन लोगों ने अपनी क्षति हुई उसका आकलन करवाया, उसके आवेदन दिए। उसी दिन से आज दिनांक तक हम सब लोग उनको मुआवजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। ये जो मिथ्या आरोप उन्होंने लगाया कि इसमें किसी तरह से प्रशासन के तंत्र के द्वारा कोई, तो एक किसान जिसको प्रभावित हुआ हो बाढ़ से और किसी तरह से किसी कर्मचारी के द्वारा उससे कोई लाभ की बात की गई हो वो उसका नाम दे।